गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा पाठ्यक्रम निर्माण की चुनौतियाँ। कहते हैं शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम जो पाठ्यक्रम बनाते हैं, उस पाठ्यक्रम के निर्माण में हमारी कौन कौन से हमारे सामने चुनौतियाँ आती हैं, उन चुनौतियों का हम यह वर्णन करेंगे। हम देखते हैं कि हम जब कोई कार्य करते हैं, जब कार्य करते तो हमारे सामने अनेकों ऐसी चुनौतियाँ आती है, या हम कहें कि ऐसी बहुत सारी हमारे सामने बातें आती हैं, हमारे सामने समस्याएं आती हैं, तो वो समस्याएं हमारी चुनौती बन जाती है और उन चुनौतियों को हमें एक चैलेंजेस के रूप में हमें एक्सेप्ट करना होता है और हम उसे पूरा करते हैं। तो यहाँ पर भी जहाँ पाठ्यक्रम हमारी शिक्षण व्यवस्था का कहते हैं, पूरी जो हम शिक्षण प्रक्रिया होती है, हमारी शिक्षा व्यवस्था है, वो हमारे पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। तो पाठ्यक्रम का जब हम निर्माण करते हैं तो उस पाठ्यक्रम के निर्माण में हमें कौन कौन सी हमारी चुनौतियाँ या कौन कौन सी हमारे सामने ऐसी बातें आती हैं जिस पर हमें फोकस करना होता है, तो उन्हीं चुनौतियों के बारे में आज हम यहाँ विस्तार से वर्णन करेंगे। कहते हैं कि पाठ्यक्रम अगर हमारा ना हो तो पाठ्यक्रम अगर हमारा न होने के कारण अगर हम शिक्षा व्यवस्था को हम सही रूप से ना चला सकते हैं, या हम कहें कि शिक्षक भी उस शिक्षण प्रक्रिया के लिए उस शिक्षण प्रक्रिया को ढंग से, सही ढंग से, उचित प्रकार से उसे पूरी नहीं कर पाते हैं, तो इस शिक्षण प्रक्रिया को चलाने के लिए और हमारी शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें इन सब चीजों का, हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना होता है और उसके समय जो आने वाली हमारी चुनौतियां होती हैं, हम उन चुनौतियों का भी हम पूरा वर्णन, जो उन चुनौतियों का हम सामना करते हैं, तो इसमें उन्हीं चुनौतियों का हमने वर्णन किया है। जो प्रथम है हमारी, सबसे पहले है हमारी आकलन विधि संबंधी, यानी कि हम जो पाठ्यक्रम में आकलन करते हैं, हम शिक्षक द्वारा जब शिक्षक के द्वारा जब शिक्षार्थी के अधिगम स्तर को जाना जाता है, उस अधिगम स्तर को किस तरीके से हम जानते हैं, हम देखते हैं कि जब हम विद्यार्थी को पढ़ाते हैं तो हमें उस चीज का ध्यान रखना होता है। शिक्षक सबसे पहले अधिगम स्तर का आकलन करता है कि उसे शिक्षार्थी को कौन से प्रकार का उसे ज्ञान देना है, अर्थात अधिगम स्तर उसकी मानसिक योग्यता, तो वहाँ वो शिक्षार्थी का आकलन करता है। हम देखते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम बना हुआ है, वो पाठ्यक्रम हमारे सभी श्रेणी के जो विद्यार्थी हैं, उन्हीं के आधार पर एक पाठ्यक्रम तैयार होता है। तो वो क्यों किया गया, वो आकलन किया गया, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम स्तर का आकलन किया गया और उसी आकलन के आधार पर उन्होंने पाठ्यक्रम का निर्माण किया। तो इसमें यही चीज बताई है कि पाठ्यक्रम का जब हम निर्माण करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आकलन विधि होती है कि हम किस तरीके से शिक्षक ने किस तरीके से शिक्षार्थी का आकलन किया है। इसमें कहते हैं कि जब आकलन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए हम आकलन विधियों का कई बार हम अभाव देखते हैं, अगर कुछ अभाव हो जाता है, हम कहें कि अगर हम पूर्ण प्रक्रिया के द्वारा अगर हम बच्चों का आकलन नहीं कर पाते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे पाठ्यक्रम में दोष होता है। पाठ्यक्रम में हमारे वो दोष ना होते हुए भी हमारा जो शिक्षण का प्रभाव होता है, वो हमारा प्रभाव पूर्ण रूप से हमारा, एक तरीके से कहें कि जिन वांछित उद्देश्यों को, जिन अधिगम वांछित उद्देश्यों को हम लेकर चलते हैं, वो हमारे पूरे नहीं होते। सेकंड है हमारा प्रश्न पत्र निर्माण, यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक के लिए एक तरीके से प्रश्न पत्र का निर्माण करना भी उनके लिए एक चुनौती होती है। हम देखते हैं कि उनके सामने सबसे पहले ये कहते हैं कि शिक्षक के सामने ये समक्ष ये चुनौती होती है कि प्रश्न पत्र का निर्माण, कई बार हमने देखा है कि कई शिक्षक ऐसे होते हैं या उन्हें ज्ञान नहीं होता, प्रश्न पत्र का जो वो निर्माण करते हैं वो नील पत्र के द्वारा नहीं करते। नील पत्र, विद्यार्थी आप लोग सभी जानते हैं कि नील पत्र क्या है, क्योंकि आपको बीएड प्रथम वर्ष में नील पत्र का निर्माण करना, जिसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, आपको पूरा सिखाया गया था कि किस तरीके से एक शिक्षक नील पत्र की सहायता से प्रश्न पत्र तैयार करता है और उसी नील पत्र के आधार पर प्रश्न पत्र का निर्माण करके और हम बच्चों का
अंकन जो करते हैं, हम उनका मूल्यांकन करते हैं, ये हम किसके द्वारा करते हैं? प्रश्न पत्र का। लेकिन हमने देखा है कि जब पाठ्यक्रम निर्माण में भी हमें इन चीजों का ध्यान में रखना होता है कि शिक्षक जब प्रश्न पत्र बनाएंगे नील पत्र के आधार पर, तो उसी तरीके से हमें पाठ्यक्रम का भी विभाजन करना चाहिए। जहाँ पाठ्यक्रम ऑल ओवर हमारे सारे कोर्सेज का, तो उसी के आधार पर हम पाठ्यचर्या में प्रत्येक विषय का हम एक, जो कहते हैं कि हम एक सिलेबस बनाते हैं और उसी के आधार पर हम प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं। तो कहते हैं कि जो पाठ्यक्रम और जो पाठ्यचर्या हमारी होती है उसके अंदर शिक्षक को जब वो प्रश्न पत्र निर्माण करते हैं हम, तो एक पूरे पाठ्यक्रम के अंदर प्रश्न पत्र का निर्माण करना नील पत्र की सहायता से, ये एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि वहां शिक्षक ये ध्यान रखता है कि कहीं ना कहीं, या हम कहें पाठ्यक्रम निर्माता ये ध्यान रखता है कि कहीं कोई बिंदु उसके छूट ना जाए। हम देखते हैं कि जब नील पत्र के द्वारा हम प्रश्न पत्रों का निर्माण करते हैं, तो वहां पर हम जो उनका कहते हैं इकाई, उप इकाई, हम कहें उनके विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, अवबोध, निबंधात्मक, लघुतात्मक, और जो हमारे वस्तुनिष्ठ और हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, उनके आधार पर हम सभी प्रश्नों का विभाजन करते हैं, उनके अंकों का विभाजन करते हैं। तो कहते हैं ये एक सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हम नील पत्र के द्वारा जो हमारे पाठ्यक्रम में नील पत्र का हम प्रयोग करें। क्योंकि जब हम प्रश्न पत्र बनाते हैं तो हमें नील पत्र का ध्यान रखना होता है। फिर है हमारा तुलना संबंधी। कहते हैं पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षक का, जो शिक्षक होते हैं वो एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो पाठ्यक्रम में ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम दो व्यक्ति या दो छात्रों के बीच में हम तुलना करें। लेकिन तुलना करने पर सबसे बड़ी चुनौती जो शिक्षक के सामने आती है वो आती है पूर्वाग्रह। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक जो है वो बच्चों को पूर्वाग्रसित होते हैं, अर्थात उनके पूर्व के ज्ञान पर, उनके पूर्व के पाठ्यक्रम के आधार पर, उसके ज्ञान के आधार पर वो उनका निरीक्षण करते हैं या मूल्यांकन करते हैं। लेकिन हम कहें कि हम जो तुलना कर रहे हैं दो विद्यार्थी के बीच में, वहाँ हमारा जो आगे का बिंदु था वो है तुलना संबंधी। यानी कि जब हम दो स्टूडेंट, शिक्षक देखते हैं कि जब वो क्लास में जाते हैं और अगर शिक्षार्थी से कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो वो उन दो शिक्षार्थियों के बीच में तुलना करते हैं। लेकिन ये तुलना जब वो करते हैं शिक्षक, तो कई बार ऐसा होता है कि तुलना करने में शिक्षक अपने पूर्वाग्रसित जो उनके अनुभव होते हैं उस शिक्षार्थी के प्रति, वो उन पूर्वाग्रसित अनुभवों का उसमें समावेश कर लेते हैं। तो ये हमारे इस पाठ्यक्रम के लिए चुनौती होती है कि हमें पूर्वाग्रसित हमारे विचार हैं, हमें इससे ग्रसित नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये हम नहीं कह सकते कि जो विद्यार्थी पहले कहते कि पूर्व में उसका जो मूल्यांकन हुआ या पूर्व में जो उसका रिजल्ट आया, जरूरी नहीं है कि वो रिजल्ट उसका इस बार नवीन ज्ञान के साथ भी आए। कई बार हो सकता है कि बच्चों का पूर्व ज्ञान से अच्छा उनका नवीन ज्ञान होता है। तो इसके लिए कहते हैं कि ये तुलना करना हमारे पाठ्यक्रम के लिए एक बहुत बड़ा एक चुनौती होती है। शिक्षक द्वारा कभी कभी दो छात्रों के बीच में जो हम तुलना करते हैं और फिर उनका आंकलन किया जाता है, इसमें जब शिक्षक के द्वारा विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रहों का सहारा लिया जाता है और वह तुलनात्मक आंकलन कभी सही नहीं होता। जो हम कई बार कहते हैं कि कई शिक्षक ऐसे होते हैं, या हम कहें शिक्षक कई बार ऐसे जाते जगह पूर्व में जो विद्यार्थी जो व्यवहार करते हैं वो उन व्यवहारों को भी, उनके जो रिजल्ट है उनका मूल्यांकन है उसमें उसको समाहित कर लेते हैं। लेकिन ये हमारे जो हम उनके पूर्वाग्रहों का हम आंकलन करते हैं उससे संबंधित अगर हम विद्यार्थी का नवीन आंकलन करेंगे, तो ये आंकलन हमारा कभी भी सही नहीं होगा। तो इसके लिए कहते हैं कि इसके द्वारा दोनों छात्रों पर, छात्र पर भी और शिक्षक पर भी, दोनों पर विपरीत प्रभाव होता है। क्योंकि छात्र की नजर में शिक्षक के प्रति उनके नेगेटिव नकारात्मक सोच आती है, और उसी तरीके से विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक की नकारात्मक सोच होती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि तुलनात्मक जो हम अध्ययन करते हैं विद्यार्थी के लिए, ये भी
हमारी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। फिर हमारी प्रश्न तकनीकी, यानी कि हमारे प्रश्न बनाने की तकनीकी। हम जब प्रश्न शिक्षक हमारे लिए जब प्रश्नों का निर्माण करते हैं, प्रश्नों का निर्माण करते हैं तो उसके लिए विभिन्न विभिन्न तकनीकियों का हम प्रयोग करते हैं। इनके आकलन में हमें प्रश्न तकनीकों का हम प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं कि जो विद्यार्थी जो शिक्षक होते हैं वो एक तरीके से शिक्षार्थी के बौद्धिक स्तर के आधार पर उनके लिए प्रश्न तकनीकी का प्रयोग करते हैं। कि हम कहते हैं कि कई बार हमारे लिए ऐसा होता है कि जो प्रश्न तकनीकी हम बड़े बच्चों के लिए हम अप्लाई करते हैं वो हम छोटे बच्चों के लिए नहीं पूछ सकते। जो प्रश्न टेक्निक होती है हमारी पूछने की, हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को जब हम प्रश्न करना सिखाते हैं तो हमें उस प्रश्न के बारे में उसे समझाना होता है, लेकिन वही तकनीकी हम बड़े बच्चों के लिए काम में नहीं लेते। तो ये तकनीक होती है, हमारी टेक्निक होती है कि हमें किस तरीके से ये तकनीकी को निभाना है। और ये तकनीकी हमारे जो आकलन होती है पाठ्यक्रम के लिए, ये एक हमारी बहुत बड़ी चुनौती होती है। कहते तकनीकी हमारे सामने कठिनाई भी होती है, वो कठिनाई के रूप में हमें उस कठिनाई को पार करना होता है, उस तकनीकी का प्रयोग करना अपने छात्र के बौद्धिक स्तर के आधार पर, ये एक सबसे बड़ी कठिनाई होती है। और उस कठिनाई को हम चुनौती मानकर हमें उसे आगे जाना होता है। फिर आता है हमारा परीक्षा का भय। विद्यार्थियों के अंदर हमने देखा है कि कई बार विद्यार्थियों के अंदर परीक्षा का भय होता है। कई विद्यार्थियों में जो विद्यार्थी काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन कई बार बच्चों के जो परीक्षा का भय होता है उसके कारण ये होता है कि बच्चों का जो निष्कर्ष जो रिजल्ट आता है वो उनका अपोजिट होता है, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट बच्चा हो। कहते हैं कई बार परीक्षा का भय बच्चों में इतना होता है कि वो विद्यालय ही नहीं आते परीक्षा देने के लिए। तो ये हमारे पाठ्यक्रम, हमने पाठ्यक्रम अगर बनाया है तो पाठ्यक्रम को हमें कहीं ना कहीं इस तरीके का बनाना चाहिए कि बच्चों में वो भय की स्थिति पैदा ना करे। अर्थात प्रत्येक छात्र के अधिगम के स्तर का आकलन करता है कौन हमारा, हमारी परीक्षा। और इसी के द्वारा हम जो छात्रों के व्यवहार हो, जो छात्र का व्यवहार होता है उसको भी पर्यवेक्षक समझता। कहते हैं कि यहाँ जब परीक्षा में बच्चे में भय है तो हमें परीक्षा में जब जो पर्यवेक्षक उस हॉल में होते हैं तो उन्हें ऐसा माहौल बनाना होता है कि बच्चों के अंदर वो उस भय को दूर करें। तो कहते हैं कि हमें इस तरीके का पाठ्यक्रम भी हमें बनाना चाहिए जिससे परीक्षा के जो छात्रों में जो परीक्षा का भय होता है वो दूर हो। फिर है हमारा अंकन संबंधी, यानी कि हम जो विद्यार्थी का शिक्षक के द्वारा अधिगम आकलन की प्रक्रिया में हमारी अनेक चुनौतियां आती हैं, उन चुनौती में एक अंकन संबंधी भी हमारे सामने चुनौती होती है। हमने देखा है कि छात्रों का जब हम अंकन करते हैं तो शिक्षक अपने अलग अलग तरीके से, यहाँ शिक्षक को कठिनाई कहाँ अनुभव होती है, हमने देखा कि कई बार जो हमारे निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनका शिक्षक सही ढंग से विभाजन नहीं कर पाते। हमने देखा है कई शिक्षक अगर उनके लेख सुंदर है तो उसके आधार पर नंबर देते हैं, कई शिक्षक हमारे ये होते हैं कि उनकी व्याख्या सही ढंग से हुई है या नहीं इसके आधार पर। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जब ये निबंधात्मक प्रश्न की बात आती है तो वहाँ हमारे जो अंकन प्रक्रिया होती है उसमें हमारे कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है। और इसी के लिए कहते हैं कि इस प्रकार के अंकन के लिए शिक्षक का पूर्वाग्रह अंकन प्रभावित करते हैं जो छात्रों की दृष्टि से प्रतिभाशाली, यानी हम देखते हैं कि छात्र शिक्षक अधिक अंक, अगर हमने देखा कि कई बार ये होता है कि अंकन दे रहा है तो हम ये देख जाते हैं कि ये बच्चा पहले से इंटेलिजेंट है, उसकी हैंडराइटिंग हमें प्रभावित कर जाती है, इसकी लेखन तो बहुत अच्छी है, हो सकता है ये बच्चा कैसा है बहुत होशियार है। तो ये पूर्वाग्रह होते हैं, यानी हमने उसके लिए पहले से ही हमारे पूर्व में हमने भ्रांति पैदा कर ली। और ये भ्रांति ऐसी होती है कि कई बच्चों के लिए तो सही हो जाती है लेकिन कई बच्चों के लिए ये बहुत ही उनके लिए, कहते हैं कि उनका जो रिजल्ट होता है उनका एक पक्षपात रिजल्ट हो जाता है, जिससे कि वो जो हम जो अंकन कर रहे हैं, जो आंकलन कर रहे हैं, हमारा वो आंकलन सही तरीके से नहीं हो पाता। फिर है हमारा श्रेणीकर, हमने देखा है श्रेणीकर यानी कि ग्रेडिंग। हमने देखा कि शिक्षक जब ग्रेडिंग करते हैं, आजकल जो पाठ्यक्रम में ग्रेडिंग सिस्टम को जोड़ दिया
किया गया, ये ग्रेडिंग सिस्टम भी कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे पाठ्यक्रम के लिए एक चुनौती है, क्योंकि इस श्रेणी में क्या होता है कि 90% वाले बच्चे को भी हम A+ दे रहे हैं और 91% वाले बच्चों को भी हम A+ दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो श्रेणी का हमारे पाठ्यक्रम में जो चुनौती बनकर आई है, ये चुनौती हमारी सही नहीं है। परीक्षा का समय अंतराल, यानी कि हम जो परीक्षा का, कई बार जो पाठ्यक्रम में हम परीक्षा का समय निर्धारित करते हैं तो कहते हैं कि जो कई शिक्षक होते हैं वो तो ये मानते हैं कि छात्रों के अधिगम स्तर के अनुसार उन्हें गैप मिलना चाहिए, यानी कि समय मिलना चाहिए, लेकिन कई शिक्षक ये मानते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को समय नहीं मिलना चाहिए, उन्हें लगातार उसी में ही अग्रसित, अगर बच्चों का दिमाग एक जगह स्थायी रहेगा कि उनके एग्जाम चल रहे हैं और उन्हें गैप ना दिया जाए तो बच्चे उसी व्यवहार में चलते रहेंगे। तो ये समय अंतराल का भी हमारे पाठ्यक्रम के लिए चुनौती है, क्योंकि कुछ शिक्षक मानते हैं कि समय अंतराल होना चाहिए और कुछ शिक्षक मानते हैं कि समय अंतराल नहीं होना चाहिए। फिर है अधिगम रुचियों में परिवर्तन। कहते हैं कि पाठ्यक्रम जो हम बनाते हैं, पाठ्यक्रम के अंदर अधिगम रुचियों में, यानी कि विद्यार्थी की जो इंटरेस्ट होता है उसमें परिवर्तन होता रहता है। हम देखें कि कुछ बच्चों को पहले जहां संगीत में मन था, अब उनका खेल में, तो कहते हैं कि जो हम अधिगम रुचियां होती है बच्चों की, इसीलिए उनके विषय में भी हो जाती है। कई बार हो सकता है उनको साइंस पसंद होते हुए उनका मैथ पसंद आ जाए, तो कहते हैं ये अधिगम रुचियां होती है बच्चों के जानने की, ये रुचियों में भी बच्चों के परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन किस तरीके से होता है ये इसमें, और हम जो पाठ्यक्रम बनाते हैं इसीलिए कहते हैं पाठ्यक्रम को थोड़ा ऐसा बनाना चाहिए जो इंटरेस्ट के आधार पर, रुचि के आधार पर उसमें परिवर्तन होता रहे। फिर है अधिगम क्षेत्र, जहां हमारे यहाँ रुचि की बात आती है, यहाँ क्षेत्र, क्षेत्र यानी कि विद्यार्थी का, हम देखते हैं कि 10th तक जहाँ विद्यार्थी सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, उसके बाद में उसे अपना एक क्षेत्र, अपना एक संकाय चुनना होता है कि वो किस क्षेत्र में जाए, तो वो यहाँ पर आके अपने क्षेत्र को चुनता है कि उसे मैथ क्षेत्र चुनना है, आर्ट्स चुनना है, साइंस चुनना है, या कौन सा क्षेत्र चुनना है। कहते हैं कि ये अधिगम क्षेत्र का चुनना भी एक हमारे पाठ्यक्रम के लिए चुनौती होती है। फिर है हमारी संसाधन संबंधी, कहते हैं हमें जब काम, जब हम जिस पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे हैं, शिक्षक जो पाठ्यक्रम शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके लिए संसाधनों का भी एक महत्वपूर्ण, हम ये देखें कि हम जहाँ महाविद्यालय में हम पढ़ रहे हैं तो महाविद्यालय में अगर हम संगीत का ज्ञान दे रहे हैं और संगीत के उनके लिए, उनके पास जब उपकरण नहीं है तो क्या वो पाठ्यक्रम हमारा प्रभावी बनेगा, नहीं बनेगा। इसीलिए हमें उन संसाधनों का भी हमें प्रयोग करना होता है कि वो संसाधन हमें हमारे किस तरीके के हैं, उन संसाधनों का हमें किस तरह से प्रयोग करना है। तो ये सारे हमारे पाठ्यक्रम निर्माण के लिए हमारी एक चुनौती थी और हमें इन चुनौतियों को पार करना होता है। सबसे पहला था हमारा आकलन विधि संबंधी, सेकंड था हमारा प्रश्न पत्र निर्माण संबंधी, फिर था हमारा तुलना संबंधी, फिर था हमारा प्रश्न तकनीकी, फिर था हमारा परीक्षा का भय, परीक्षा के भय के बाद में था हमारा अंकन संबंधी, श्रेणी का जिसे हम ग्रेडिंग कहते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम, परीक्षा का समय अंतराल, अधिगम रुचियों में परिवर्तन, और हमारे अधिगम क्षेत्र, और संसाधन संबंधी। तो बच्चों ये हमारे पाठ्यक्रम के निर्माण में चुनौतियां हैं, और एक शिक्षक होने के नाते जिस शिक्षा के क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं तो हमें कहीं ना कहीं हमें इन चुनौतियों का हमें भी सामना करना होगा। तो मैं मानती हूँ कि इस पाठ्यक्रम के लिए हमें इन चुनौतियों को मानकर हमें हमारे भावी जीवन में, जहाँ हम शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो हमें इन चुनौतियों का डटकर हमें सामना करना चाहिए, और जहाँ तक हो हमें विधियों का, इन चुनौतियों का हमें सामना भी करना है, हमें सीखना भी है कि हमें किस तरीके से हम एक शिक्षक बनके हम जो पाठ्यक्रम हमारे सामने आएगा हम उसे किस तरह से पूर्ण करते हैं। ये हमारी आज की वीडियो थी। धन्यवाद।